नमस्कार, आप हैं द खबरदार डॉट कॉम के साथ और मैं हुबेद। रीवा पुलिस की छवि को फिर से दागदार किया एक आरक्षक ने। आरक्षक पर लगा दुष्कर्म करने का आरोप, मामला पहुंचा एसपी कार्यालय। आरक्षक राजीव द्विवेदी सिविल लाइन में पदस्थ हैं, इसके पहले सिटी कोतवाली थाना में पदस्थ थे। आइए देखते हैं महिला ने क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं इस आरक्षक पर। काहे नहीं डाले रहा मैं आप टैक्सी से अपने मम्मी कहाँ जा रहे थे तो हमारे साथ ये बलात्कार किया है। पुलिस वाला बोला कि क्यों जा रही है इतनी रात में, तुम हमेशा जाते तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कल ही जा रहे थे तो पता है। वो बोला कि तुम नहीं करोगी हमारे साथ इस तरह तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे, फेंक देंगे, किसी से कहोगी तो मार देंगे तुमको, तुम्हारे पूरे परिवार को। कल की है, कल 10:30 बजे रात की है। कहाँ कैसे क्या हुआ पूरा घटना बताइए, कहाँ जा रहे थे? वेंकट टाकी से मैं उतरी ऑटो से, हॉस्पिटल चौराहे से बैठी हॉस्पिटल यहाँ कैलिफोर्निया जा। पहले बोला कि ठीक है सवारी मिल जाएगी चलेंगे। वेंकट टाकी के पास उतार दिया, बोला कि हम नहीं जाएंगे रेलवे स्टेशन तक जा रहे हैं। तो बोले ठीक है भैया आप उतार दीजिए, हम यहाँ चले जाएंगे। तो जो पीपल का पेड़ है जहाँ समोसा बनता है ना मोड़ के पास, वहाँ पर ये हमको मिला राजीव द्विवेदी। बोला कि तुम कहाँ जा रही, हमको आपको क्या दिक्कत, हम जा रहे हैं अपने घर जा रहे हैं, मम्मी कहाँ, हमेशा जाते तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ये कहता है कि तुम क्यों जा रही थी, समय चलो तुम हमारे साथ ऐसा करो, तुमको पैसा देंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए। क्या है कि हमारे आदमी खत्म हो गया, दो सर काम करते हैं, पेट चला के बच्चों को पढ़ाते हैं। बोला ज़बरदस्ती भीख ले के गया हमको, बड़ी पुल के नीचे मेरे साथ गलत काम किया। बोलता किसी को बोलोगी तो हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारे परिवार को भी मार देंगे, जो करना हो कर लो, हमारे इसकी फूफा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।